जानेंगे ASCII कोड के बारे में। ASCII कोड बहुत ही कॉमन कोड है जो हमारे कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यूनिकोड या एक्सेडिक कोड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ASCII कोड को जो हम कीबोर्ड वगैरह पे देख रहे हैं अपने कीज उसको इनकोड करने के लिए 7-bit कोड ASCII कोड यूज किया जाता है। इसके अलावा 8-bit कोड भी होता है जो कि एक्सटेंडेड ASCII कोड कहलाता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि ASCII कोड क्या है और उसके बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए और किस तरीके से हमें कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यदि दिया है तो उसके इक्विवेलेंट ASCII हम कैसे निकाल सकते हैं, ASCII कोड कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ के रूप में पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, और II स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इंफॉर्मेशन II स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे कीबोर्ड में कैरेक्टर दिख रहे हैं, हमें डिफरेंट तरीके के सिंबल दिख रहे हैं, उनकी इनकोडिंग के लिए यूज किया जाता है कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारी जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें जो हम कीपैड यूज करते हैं उसकी इनकोडिंग के लिए ये यूज किया जाता है। 7-bit कैरेक्टर कोड कहलाता है ये, ASCII 7-bit आया, उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड किया गया 8-bit। 8-bit में हम और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, 7-bit में हम कहाँ तक रेंज ले सकते हैं, 0 to 127, क्योंकि 2 to the power 7 इक्वल टू क्या होता है 128, तो 0 to 127 कितने हो गए टोटल 128। ठीक है, तो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 127, मतलब 0 किसी के लिए होगा, 1 किसी के लिए रिप्रेजेंट करेगा, 2 किसी के लिए रिप्रेजेंट करेगा, अभी हम टेबल बनाकर भी देखेंगे किसके लिए क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट 31 कैरेक्टर जो होते हैं 0 to 31 जो डिजिट होंगे डेसिमल में इज फॉर कंट्रोल कैरेक्टर, है ना। ये जो 0 to 31 होगा ASCII वैल्यू 0 to 31 वो कंट्रोल कैरेक्टर, जो अनप्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि बैक स्पेस हो गया या प्रिंटर को देते हैं जो हम कमांड वो हो गया, तो इस तरीके से कंट्रोल कैरेक्टर के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको ज़्यादा हम यूज मतलब इन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं करते, प्रैक्टिकल में तो करते हैं, तो उनके लिए हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली जो रिप्रेजेंटेशन हमसे पूछा जाता है कि इसका ASCII इक्विवेलेंट बताइए, तो वो डिजिट अल्फाबेट का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम टेबल के फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट 0 to 31 कैरेक्टर इज फॉर कंट्रोल कैरेक्टर, अनप्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर, एंड आर यूज टू कंट्रोल पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोड्स 32 to 127, 32 से लेके 127 प्रिंटेबल कैरेक्टर कहलाते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं लेटर को, डिजिट को, पंक्चुएशन मार्क्स को, कर्ली ब्रैकेट वगैरह, कॉमा वगैरह, इन सबको, और सम सिंबल। तो ये हम टेबल के रूप में अभी देखने वाले हैं किसका क्या रिप्रेजेंटेशन है और कैसे हम उसका इक्विवेलेंट ASCII कोड निकाल सकते हैं यदि हमें बाइनरी नंबर दिए हैं तो। ठीक है, तो 32 से 127 जो होता है वो डिलीट के लिए यूज किया जाता है, डिलीट कमांड के लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ हमने प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए टेबल फॉर्म कर लिया है। 32 जो है ASCII वैल्यू वो स्पेस के लिए होती है। ठीक है, 33 जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के लिए होती है, 34 जो है वो डबल कोट के लिए होती है, और 35 जो होती है वो हैश के लिए होती है, 36 जो है वो इस सिंबॉल मतलब डॉलर के सिंबॉल के लिए होती है, 37 जो है वो परसेंट सिंबॉल के लिए होती है, 38 जो है वो एम्परसेंट के लिए होती है, 39 जो है वो एपोस्ट्रॉफ के लिए होती है, 40 जो है वो जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है ओपन करने का उसके लिए होती है, 41 जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के लिए होती है, 42 जो है वो एस्ट्रिक के लिए होती है, और 43 जो है वो प्लस साइन के लिए होती है। ठीक है, 44 जो है वो हमारा कॉमा जो हम लगाते हैं नीचे उसके लिए होती है, 45 जो है वो बीच में जैसे हम मत लगाते हैं ना A-B उसके लिए होती है, 46 जो है वो डॉट के लिए है, 47 जो है वो हमारे फॉरवर्ड स्लैश के लिए है, और 48 से 57, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना, 48 से 57 डिजिट के लिए दी गई है, मतलब 48 जो है वो 0 को बताएगा, 49 जो है वो
वन को बताएगा, 50 जो है वो टू को बताएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा 57 किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर 9 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना, 48 से 57 किसके लिए होती है, डिजिट के लिए होती है, 0 to 9, राइट। 58 जो होती है वो कॉलम के लिए होता है, और 59 वैल्यू जो होती है वो सेमी कॉलम के लिए है, राइट। 60 वैल्यू जो आपकी है वो हमारे स्मॉल देन सिंबल के लिए है, और 61 जो है वो इक्वल साइन के लिए है, ठीक है। 62 जो है वो ग्रेटर सिंबल के लिए है, और 63 जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए। 64 आपकी वैल्यू एट द रेट सिंबल के लिए दी गई है, और 65 से 69 फिर से आ जाइए, याद रखने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ा लीजिए। 48 से 57 मैंने आपको बताया 0 to 9, और 65 से 90 तक A to Z, मतलब A की वैल्यू देखना चाहेंगे तो हम 65, B की हो जाएगी 66, इस तरीके C की हो जाएगी 67, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो Z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 90। तो जो कैपिटल लेटर होते हैं हमारे A to Z उसकी होती है 65 से 90, और जो स्मॉल होते हैं वो होती है 97 से 122, ठीक है। तो तीन आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना, एक तो स्मॉल लेटर की A to Z 97 से 122 तक होती है, A to Z कैपिटल लेटर की 65 से 90 तक होती है, और डिजिट की दी गई है 48 से 57। जनरली इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 91 जो है वो ओपन, जो हमारा कैलिब्रेटेड बड़ा वाला होता है उसके लिए दी गई है। 92 जो है वो बैक स्लैश के लिए दी गई है। 93 क्लोज के लिए दी गई ब्रैकेट, और 94 जो है वो जो हम पावर का सिंबल यूज करते हैं उसके लिए दी गई है। 95 जो है वो अंडर स्कोर के लिए दिया गया है। 96 जो है वो ग्रेव एक्सेंट के लिए, ये वाला जो सिंबल है उसके लिए दिया गया है। 97 जैसा कि मैंने आपको बताया, 97 से लेके 122, मतलब A की वैल्यू देखना चाहें तो हम बोलेंगे 97 है, B स्मॉल B की है 98, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो Z स्मॉल Z की वैल्यू हो जाएगी 122, ठीक है। 123 जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट के लिए है। 124 जो है वो पाइप सिंबल के लिए है। 125 जो है वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के लिए है। 126 जो है वो टाइप सिंबल के लिए है, और 127 जो है वो डिलीट के लिए है, ये भी हमें दिखेगी नहीं, 127 जो है वो डिलीट कमांड के लिए है, ठीक है। तो हमें याद रखना है क्या क्या, कि 48 से लेके 57 तक हमारे डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 48 से 57, और 65 से लेके 90 तक हमारे कैपिटल लेटर A to Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल लेटर के लिए हम 97 से 122 रेंज को फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। ना यदि हमें कोई बाइनरी नंबर दिया जाता है और उसके इक्विवेलेंट हमें आस्की वैल्यू पूछी जाती है, तो हमें कैसे उसे सॉल्व करना है, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं। जनरली जो भी आपसे पूछा जाएगा वो या तो डिजिट में ही होगा रिप्रेजेंटेशन, या फिर मतलब जो आपकी वैल्यू होगी जो कॉमन याद रखने वाली, जैसे मैंने वैल्यू बताई कि डिजिट की याद रख लीजिए, कैपिटल A to Z की याद रख लीजिए, स्मॉल A to Z की वैल्यू याद रखिए, उसी के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है हमने लिया है, इसमें हमें क्या करना है, हमने आपको बताया 7-bit रिप्रेजेंटेशन होता है, तो सबसे पहले आपको 7 की ग्रुपिंग करना है, ठीक है। यदि आपको डेसिमल नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है 7 की ग्रुपिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 7-bit और ये हो गया 7-bit। यदि यहाँ पे बिट कम पड़ रही हो, 7-bit का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम 0 प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर इस तरीके से दिया होता, ठीक है, और यहाँ हमारी बिट कम पड़ रही होती, तो हम यहाँ पर 0 प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग, और डेसिमल के पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये 7-bit हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में निकाल लेंगे वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये आपका है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर आपने हमारा बाइनरी टू डेसिमल वाला वीडियो नहीं देखा है कन्वर्जन का, तो उसको जरूर से देख लीजिए। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लिख लिया है यहाँ पे, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो 1, 2, 4, 8 डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो जल्दी कन्वर्जन होता है आपका।
ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64। ये मेरे एक ट्रिक है मेरी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए जीरो वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 64 प्लस 64 इंटू 1 64 और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 65। अब 65 जो आज की है वो किसके लिए दी जाती है, मैंने आपको बताया था 65 से 90 जो है हमारे कैपिटल ए टू जेड के लिए दी जाती है। मतलब जो 65 वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, ए के इक्विवेलेंट है। तो ये तो हो गया हमारा ए इस साइड का, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे आप 1 2 4 8 16 32 64। जीरो वाले सारे कैंसिल कर दीजिए, 1 वाले लिख लीजिए, 64 ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस 4, ठीक है, ये रहेगा और ये रहेगा प्लस 1, कितना हो गया ये 5 4 9 6 69। आप 69 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए ए जो है वो 65 है, 66 बी है, 67 सी है, 68 डी है और 69 जो है वो ई हो जाएगा, ठीक है। तो 69 जो है इक्विवेलेंट टू ई है, तो यहां हमें दिया गया कोड जो है वो आज की इक्विवेलेंट आ गया है ई ए, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को। आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, इसको डेसिमल में इक्विवेलेंट में चेंज करना है, अपने टेबल से वैल्यू को मैच करना है, इसके इक्विवेलेंट क्या आज की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देना है। तो हमारा इक्विवेलेंट आज की वैल्यू आया है ई ए, राइट। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीना सन अकेडमी।